400 पार हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ। और तीसरे बार गलती से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। हाँ। ये बैसाखी की सरकार है, ये स्वयं नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। ये 5 साल पूरा नहीं चलेंगे। हाँ। 5 साल अगर पूरा चला देंगे तो आप समझ लीजिए कि राजनीति में भूकंप आ जाएगा। सुने नीतीश चाचा को उन्हें मन नहीं लग रहा है। मन अब उनका मन लगेगा। हाँ। सब चौहरा बीजेपी ले लिया, बिना पेनी का सरकार है, बिना सिस्टम का सरकार है। हाँ। सब उलट पुलट हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। हाँ। खुशबू आ नहीं सकता है जोगी और मोदी और सम्राट के कमल के फूलों से। बीजेपी ठंडा हो गया था, कभी उससे भीख मांग रहा है, कभी उससे भीख मांग रहा है। ना बिजली है, ना वाटर है, मोदी जी के राज में 80 रुपया टमाटर है। अभी तो ये अंगराई है, आगे देखो कितना है। एनडीए की तीसरी बार देश में सरकार बन चुकी है और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी एनडीए के 3.0 वाले में प्रधानमंत्री के पद पे फिर से चुने गए हैं और कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। हमारे साथ छोटे लालू हैं, बिहार वाले, और लालू जी के अंदाज में अपने बात को रखते हैं। लालू जी, मोदी जी का सरकार फिर बन गया। देखिए, देश के चुगलाबाजी का तो सरकार बनना था। कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने अफसरों को धमकी दिया। हाँ। लोगों के अंदर में सेन फोड़ा। हाँ। कहीं माने। हाँ। जो 400 पार की नारा था। हाँ। जो 400 पार की नारा था जी। वो तो नहीं हुआ जी। देश की जनता इनको तोड़ने की काम किया और ये देश की जनता को लालू जी और तेजस्वी जी जोड़ने का काम किया और राहुल जी। तो कहीं ना कहीं जो 1 भी सीट हमारे पार्टी का नहीं था, 4 सीट तो आ गया ना। महागठबंधन पूरे देश में जीता शक्ति और पावर के साथ, और बिहार में सबसे ज़्यादा। अगर कोई अगर 34 साल के लड़का के पीछे क्या जरूरत है 16 बार प्रोग्राम करने का, अमित शाह के प्रोग्राम करने का, JP नड्डा का प्रोग्राम करने का, राजनाथ सिंह का प्रोग्राम करने का, आदित्यनाथ जोगी का प्रोग्राम करने का। माने देश में जितना भाजपा का एजेंट है सब बिहार में पाए गए हैं वोट को इधर उधर करने का। और कहीं ना कहीं तेजस्वी इसमें कामयाब है कि बिहार की जनता को वोट के रेशियो में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन बिहार में आ गया है। कहीं 2000 से, कहीं 12000 से, कहीं 4000 से, कहीं 19000 से हम चुनाव हारे हैं। और वो चुनाव हारे नहीं है, ये जबरन हमें हराया गया। जो इतना दिन का जो चुनाव का गैप किया गया, जैसे औरंगाबाद में चुनाव हुआ, जमुई में चुनाव हुआ, नवादा में चुनाव हुआ, फिर से आपको गया में चुनाव हुआ, 4 सीट पर चुनाव हुआ और 2.5 महीने के बाद काउंटिंग हो रहा है। तो इसमें अपना अफसरों को मिल के और अफसरशाहियों को मिल के अपना एजेंट बैठा के हमें चुनाव हराने का काम किया। ना तो हमारा 32 सीट आता, 32 आता 400 पार। अरे भैया, 400 नहीं पार हुआ, ना 4000 पार हुआ। इन दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तेजस्वी और राहुल। सुने नीतीश चाचा को उन्हें मन नहीं लग रहा है। मन अब उनका मन लगेगा। हाँ। अब सब चौहरा बीजेपी ले लिया। हाँ। अब अभी इनकी जो अयोध्या में राम जी को, इलो राम जी को इतना भटकाया कि अयोध्या हार गए। हाँ। तुलसी ईरानी हार गई। हाँ। तो उन लोग का अपना सीट तो बचा नहीं, स्मृति ईरानी। अब जो भी हो, माने ये हो सकता है कि पलटू राम का मन लगेगा कि नहीं लगेगा, चंद्रा बाबू का, नायडू का मन लगेगा कि नहीं लगेगा। ये कब है सरकार, बिना पेनी का सरकार है, बिना सिस्टम का सरकार है। हाँ। कब उलट पुलट हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। खेला होगा कैसे? अगर साल भर बढ़िया से नरेंद्र मोदी जी सरकार चला ले। हाँ। ये बैसाखी की सरकार है, ये स्वयं नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ना बिजली है ना वाटर है मोदी जी के राज में 80 रुपया टमाटर है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ। तीसरे बार हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ। तीसरे बार गलती से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। अरे मोदी जी नौजवान को बेरोजगार बना दिए। हाँ। किसान को करने पर मजबूर कर दिए, मजदूर को पलाय करने पर मजबूर कर दिए। पिछले माने 2019, 2014 और 2024 आप लोकसभा में कहाँ थे लालू जी? हम तो भैया लोकसभा में थे, जमुई थे, मुंगेर, जमुई थे। हाँ। गया थे, औरंगाबाद थे,
पाटलिपुत्र थे, पटना साहिब थे, सिवान थे, छपरा थे, मगर छपरा में जो हमारी बेटी की हार हो गई रोहिणी जी का, वहाँ से नहीं हारना चाहिए, मगर वहाँ पर भी सेटिंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव में सेटिंग हुआ है। अरे बिना सेटिंग के गेटिंग कहाँ होता भैया, कुछ ईवीएम का सेटिंग नहीं हुआ। नहीं, ईवीएम का नहीं, डीएम का अपना पावर होता है कि 10,000, 12,000, 20,000 तक किसी भी उम्मीदवार को हरा सकता है। सम्राट चौधरी को जानते हैं आप? अरे हम अच्छी तरह जानते हैं। बोले लालू यादव को हम ठंडा देंगे। अब क्या ठंडाएंगे, अगर वो MLC नहीं बनते तो वही ठंडाई है। लालू यादव नेता है, गुजरी के लाल है। आपको मालूम है कि शकुनी चौधरी जौनबेरी स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय समाज चौधरी बिना पेनी के घूम रहे थे, और उनको उतना उम्र नहीं रहने के बाद भी उतना उम्र उनका नहीं था सम्राट चौधरी को, तो लालू प्रसाद यादव ने उनको डायरेक्ट मिनिस्टर बनाने का काम किया था। उस समय लालू जी को ठंडाने की बात नहीं कर रहे थे। अभी बोले ठंडा देंगे। ना 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 भैया, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आ खुशबू आ नहीं सकता है योगी और मोदी और सम्राट के कमल के फूलों से। लोग बीजेपी ठंडा हो गया था, कभी उससे भीख मांग रहा है, कभी उससे भीख मांग रहा है, मगर लालू प्रसाद यादव अपनी शक्ति, अपने पावर और महागठबंधन अपने ताकत के साथ चुनाव लड़ा, और पूरा देश में जहां आप देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा उतना साफ हो गया, देश का बेरोजगार खोज रहा है, देश का नौजवान खोज रहा है, देश का सिस्टम में जो फंसे हुए लोग हैं वो खोज रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चुगलाबाजी आज ये 5 साल पूरा नहीं चलेंगे, 5 साल अगर पूरा चला देंगे तो आप समझ लीजिए कि राजनीति में भूकंप आ जाएगा। और हम मानते हैं कि गलती कहीं ना कहीं हुआ है इन्हें इधर उधर उम्मीदवारों को खड़ा होने से, मगर जो गलतियां 2024 में हुआ वो 2025 विधानसभा में नहीं होगा। बेटा तेजस्वी जरूर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। झूठ है। फाइनल इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब कि गारंटी के रोजगार पर बनेगा। जो गारंटी के रोजगार पे बनेगा कैसे? ये फाइनल है। हाँ। बिहार की जनता तेजस्वी को चाहती है, नीतीश कुमार पलटू राम को नहीं चाहती है। पलटू राम चाचा, पलटू राम आप बोल रहे हैं, पलटी मारेंगे इस बार? अरे पलटी मारे या ना मारे, मगर बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार, बिहार के किसान, बिहार के दलित, बिहार के शोषित, बिहार की बैकवर्ड, बिहार के गरीब, बिहार के बहने, बिहार की बेटियां, बिहार की माताएं जरूर पलटी मारने का काम करेगा, और तेजस्वी के पक्ष में और महागठबंधन RJD को वोट डालने का काम करेगा। चलिए तो लालू जी का बात सच होगा जी? सच होगा। खेला नीतीश जी पलटी मार देंगे? एकदम पलटी मारेंगे। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार बन जाएंगे। हाँ जी, अब देखिए वो समय बताएगा। लेकिन आप लोग बुला रहे हैं उनको? अरे भैया हमारा दरवाजा खुला हुआ है, इधर आए तब ठीक है, नहीं आएंगे तब ठीक है। 2025 में सरकार तेजस्वी का बनेगा। अब प्रधानमंत्री के सवाल है, अगर हो सकता है कि नीतीश कुमार के जन्म में लिखले नहीं थे, कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, अगर इधर रहता तो जरूर प्रधानमंत्री बन जाता है। खेला होगा, खेला बिल्कुल होगा। 25 में तेजस्वी यादव CM बनेंगे। केंद्र का सत्ता बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बैसाखी वाली सरकार, बैसाखी वाला बिल्कुल सरकार है। 4,000 पार कर बिना बिना सिस्टम का सरकार है, बिना व्यवस्था का सरकार है। जितने राम मंदिर पर पूंजी बिटोराया था सब उस पर खरीद बिक्री हुआ, और टोटल अफसर को खरीदा गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 3री बार। चलिए तो खेला होना भी बाकी है, बाकी है। अरे अभी तो अंगराई है, अभी तो ये अंगराई है, आगे देखो कितना लड़ाई है। जो बहुमत है वो NDA के पक्ष में आया है, लेकिन अभी खेल होगा। खेल अभी होना बाकी है। नीतीश कुमार खुश नहीं है, चंद्रबाबू नायडू खुश नहीं है, छोटे लालू हैं, और लालू जी के अंदाज में हमेशा बोलते हैं, और इन्होंने कह दिया है कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार आने वाला है, और जो तमाम पिछड़ा वर्ग हो, दलित समाज के लोग हो, वो उनको साथ देंगे, महिला साथ देंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत